टू माय किचन, आपके इंडियन अरोमा में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता ही है कि होली आ रही है, बस उसी की प्रिपरेशन में हम लोग लगे हुए हैं, थोड़ा कुछ कर रहे हैं उसी के लिए। तो ये जो अब 3-4 एपिसोड्स आने वाले हैं इंडियन अरोमा के, उसमें हम होली की तैयारी करेंगे। होली कैसा त्यौहार है जिसमें सब लोग मिलते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं और उसी तरीके से त्यौहार मनाया जाता है। तो उसमें स्पेशली होता ही है कि कुछ हम स्पेशल कुछ कुछ बनाएं, है ना। तो बस चलिए, आज मेरे साथ चलिए किचन में और हम कुछ नया बनाते हैं, होली की शुरुआत करते हैं। और आप भी उन रेसिपीज़ को बनाइए। मैंने कोशिश की है कि बहुत इजी वे में मैं उन रेसिपीज़ को बनाऊं, जो कि आप लोग सब मिलके बना सकें और फिर हम होली को इन्जॉय करें। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और बनाते हैं कुछ नया। होली त्यौहार ही ऐसा है कि जब लोग आ जाएं तो फटाफट क्या बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि वो भी खुश हो जाए और हमारा दिल भी खुश हो। तो चलिए झटपट बनाते हैं हम ब्रेड की गुजिया। जी हाँ, देखिए मैं ब्रेड की गुजिया बना रही हूँ जो बहुत झटपट फटाफट बन जाती है। तो इसके लिए मैंने ब्रेड ले ली है, हो सके तो फ्रेश ब्रेड लीजिए, पर मेरी ब्रेड जो बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं थी, पर अगर मेहमान आ जाएं तो क्या करेंगे आप, है ना। तो मैंने बस ब्राउन ब्रेड थी, मैंने इसका बनाया। आप वाइट ब्रेड का भी बना सकते हैं। तो आप ब्रेड का पीस लीजिए और इसे अच्छे से प्रेशर लगा के, अगर फ्रेश है तो फटाफट बेल जाएगा, पर मेरी थोड़ी सी पुरानी है 2-3 दिन की, तो मुझे थोड़ा सा उसको बेलने में टाइम लग रहा है। और उसको थिनली बेल लें और किसी भी कटर से या किसी भी लिड से आप उसको काट लीजिए, जैसे मैंने काटा है आप इसको काट लीजिए और इसके आराम से इसके कॉर्नर्स निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप निकाल दीजिए। उधर मैंने इसकी फिलिंग बनाई है, उसके लिए मैंने थोड़ा सा बादाम ले लिया था, थोड़ा सा काजू ले लिया था, थोड़ा सा उसके अंदर नारियल डाल दिया, थोड़ा सा चाट मसाला, हरी मिर्च और अदरक डाल दी और हरा धनिया भी डाला। और बस इसको मैंने इसके अंदर भर दिया है और भरने के बाद मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है। अगर आप चाहें आपसे ठीक से ना दबे तो आप थोड़े से पानी का यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ इसको प्रेस कर दें और देखिए आपकी गुजिया बनके तैयार हो गई है, है ना। कितनी बढ़िया गुजिया बनी है। और अभी मैं एक तरीके से और कर रही हूँ कि अब मैंने ब्रेड का पीस ले लिया था, उसको हल्का सा बेला और हल्का सा पानी लगा दिया उसके ऊपर। अब इसके अंदर फिर से मैंने फिलिंग भर दी है और इसको अब मैंने मोल्ड के अंदर डाल दिया, जो गुजिया का मोल्ड होता है मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रखा था जिससे कि इसके जो कॉर्नर, इसको ये पूरी तरीके से गुजिया के मोल्ड में आ जाए। अगर छोटा मोल्ड है तो आप कैसे भी रखेंगे आ जाएगा, मेरा मोल्ड जो है वो थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा रखा, उसके कॉर्नर्स बाहर रखे। और देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बन के तैयार हो गया। अब एक गुजिया मैं ऐसे बना रही हूँ कि अगर हमारे पास मोल्ड्स नहीं है या हमारे पास कटर भी नहीं है तो हम क्या करेंगे। मैंने ब्रेड लिया और उसको अच्छे से मैंने थोड़े से पानी के अंदर भिगा दिया और फिर हाथों से फोल्ड कर दिया। देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, इसमें मैंने कॉर्नर्स भी नहीं निकाले हैं, मैंने इसको फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके मैं इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। और अब मैं क्या करूँगी कि सबके घर में फूड रैप होता है ना, तो हम फूड रैप ले लेंगे। आपके पास फूड रैप हो या कोई प्लास्टिक की कोई थैली हो तो आप साफ़ वाली, तो उसको ले लें और उससे ऐसे दबा दबा के इसको गुजिया की शेप दे दें। देखिए कितनी बढ़िया आपकी गुजिया बन के तैयार हो गई है ना। तो इसके अंदर कॉर्नर्स भी वेस्ट नहीं हुए और आपकी गुजिया बन के तैयार हो गई है। और ये देखिए मेरी सारी गुजिया बन के यहाँ तैयार हैं। अब बस मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। हम इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। हम चाहें तो गुजिया को फ्राई भी कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको कच्चा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक गुजिया आपको फ्राई करके बता रही हूँ कि मैंने कुछ गुजिया जो हैं फ्राई करके बनाई हैं और कुछ मैंने अनफ्राइड रखे हैं। हेल्थ कॉन्शियस आजकल सभी कोई होते हैं तो उनको अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप अनफ्राइड बनाइए। और ये देखिए इधर मैंने इसके अंदर मैं दही डाल रही हूँ, मेरे पास प्रिपेयर्ड कर्ड था। प्रिपेयर्ड कर्ड मतलब मैंने दही के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, थोड़ा सा चाट मसाला डाला था, काला नमक और भुना जीरा डाल दिया था और वो मैंने गुजियाओं के ऊपर डाल दिया है। और उसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा भुना जीरा उसके ऊपर डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी चटनी डाली है, थोड़ी सी मैंने इमली की चटनी डाली है और अब थोड़ी सी मैं मिर्च डाल रही हूँ इसके ऊपर। देखिए हमारी गुजिया बनके तैयार है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर कोरिएंडर डाल देंगे हम और उसके बाद हम डाल देंगे थोड़ी सी अदरक। अगर आपके पास अनार के दाने हो तो आप वो भी डाल दीजिए, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। और बस आपकी देखिए गुजिया बन के तैयार है, मेहमान आए फटाफट उन्हें बनाकर खिलाइए। वो मेरा दावा है कि वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने मतलब दाल की गुजिया बनाई है या आप नॉर्मल गुजिया उनको ब्रेड की गुजिया बनाकर खिला रहे हैं। पर इसमें एक बात है, जब ये और थोड़ा सा देखिए मैंने इसके ऊपर सेव भी डाल दिए, नायलॉन सेव डाल दिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी गुजिया। और ये मैं बना रही हूँ फ्राइड वाली, जो मैंने फ्राई की थी अभी उसको बना रही हूँ। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया, सेम दही प्रोसेस मेरा वही है, मैंने दही लिया उसके ऊपर मैंने इमली की चटनी डाली और उसके ऊपर हरी चटनी डाल दी। अब थोड़ा सा भुना हुआ जीरा मैंने इसके ऊपर डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर डाल दी है और बस हमारी गुजियाएँ बन के बिल्कुल फटाफट तैयार हो गई हैं। ऊपर से डाल दीजिए नाइलो सेव और बताइए किसका मन नहीं करेगा इसको खाने का। मुझे जेन्युइनली बताना कैसा है। ओके बताओ कैसे।
everything. It's really delicious. You know what is this? Is it common street food in North India? Yes, but okay. What food? Yeah, I made it with what? Yeah, I think you made something with bread. Yes. Did you taste it? Or it's like the authentic Indian thing? Yeah, it's authentic Indian. Oh my god. होली आ रही है या कोई भी हो, हमने ब्रेड सबके पड़ी होती है ना, फटाफट उसको बनाया जैसे मैंने समझाया, बिल्कुल ऐसे फटाफट करके कर दो, मजी आ रही, मजी आना चाहिए, मजी फाइव स्टार, चलो गुड। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाओ। कैसे कैसे? बेल आइकन दबाओ, बेल आइकन दबाओ।